नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजदीप तोमर और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है tv30india.com का विशेष कार्यक्रम धर्मचक्र। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपने इस कार्यक्रम में धर्म और आध्यात्म से जुड़ी बातों पर चर्चा करते हैं और आपके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस कार्यक्रम के द्वारा आप तक पहुँचाते हैं। जैसा कि अलीगढ़ से हमारे एक दर्शक योगेश चौधरी जी ने एक सवाल किया था कि काल सर्प दोष क्या है, उसके बारे में जानने के लिए, तो सारी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध आचार्य श्री सीपू जी महाराज जी। महाराज जी, आपका स्वागत है टीवी थर्ड इंडिया पर। जी नमस्कार। महाराज जी, हम आपको बताएं, हमारे एक दर्शक हैं योगेश चौधरी जी जो अलीगढ़ से हैं, उन्होंने हमें लिखकर एक अपना सवाल था जो भेजा था कि काल सर्प दोष क्या है, उसके बारे में जानने के लिए। जी देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है योगेश जी का। सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के साथ अगर राहु है कुंडली के अंदर, तो उसको हम लोग काल सर्प दोष मानते हैं। राहु का जो आदि देवता है वो है काल, और केतु का जो आदि देवता है वो है सर्प। और राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह एक तरफ अगर कुंडली के अंदर इकट्ठे हो जाएं, तो उसको हम लोग काल सर्प दोष कहते हैं। काल सर्प दोष को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी आशंकाएं रहती हैं कि आखिर ये काल सर्प दोष है क्या। हालांकि काल सर्प दोष या तो किसी व्यक्ति को बिल्कुल राजा बना देता है या किसी व्यक्ति को बिल्कुल रंक बना देता है। आचार्य जी, हमारे एक दर्शक हैं आगरा से जितेंद्र सैनी, उनका एक सवाल आया था कि ये जो काल सर्प दोष है जी, ये क्या हमारे अभी वर्तमान में किए गए कुछ कार्यों की वजह से हम पर होता है या कुछ पूर्व जन्म के होते हैं उनको लेकर होता है, किस वजह से होता है? देखिए, ये काल सर्प दोष जो है ये हम लोग एक तरह से पैतृक मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला दोष। जब तक इसकी शांति नहीं होगी ये दोष पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। पूर्व जन्म में व्यक्ति के द्वारा अगर किसी सर्प की हत्या कर दी गई हो तो कुंडली के अंदर काल सर्प दोष आ जाता है। किसी व्यक्ति के द्वारा आत्महत्या की गई हो तो काल सर्प दोष कुंडली के अंदर आ जाता है। काल सर्प दोष से बहुत सारी दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में आती रहती हैं। आचार्य जी, हमारे एक दर्शक हैं हाथरस से नीतेश भारद्वाज जी, उनका एक सवाल है कि ये कितने प्रकार के होते हैं काल सर्प दोष, यानी कि लोगों को अलग अलग तरह की समस्याएं होती हैं अलग अलग, तो क्या इनमें कोई प्रकार बटे हुए हैं? जी बिल्कुल। काल सर्प दोष का जो सामान्यतः प्रमुख हम लोग मानते हैं, करीब 12 प्रकार का काल सर्प दोष होता है। 12 प्रकार में अलग अलग प्रकार के काल सर्प दोष हैं, जिसमें तक्षक काल सर्प दोष, वासुकी काल सर्प दोष, शंखपाल काल सर्प दोष, इस प्रकार 12 प्रकार के काल सर्प दोष हैं, और जिनमें अलग अलग उसके प्रभाव हैं और अलग अलग ही व्यक्ति के जीवन में संकट आते हैं। आचार्य जी, हमारे एक दर्शक हैं मैनपुरी से जी, अनिल साक्य जी, उनका एक सवाल था कि आम आदमी कैसे पहचानेगा कि काल सर्प दोष से वो ग्रसित है, अगर उसने अपनी कुंडली नहीं दिखवाई है किसी से, या उसे अपनी जन्म की जो है क्या कहते हैं तिथि या समय नहीं मालूम है, तो वो कैसे, आम आदमी को कैसे मालूम चलेगा कि वो इससे ग्रसित है? जी देखिए, बहुत से लोगों के पास में जन्म तिथि नहीं होती। अब वो लोग कैसे पहचाने कि हमारी जीवन में क्या समस्याएँ हैं अथवा किस कारण से हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि बाल्यकाल से अगर हम चलें, बचपन में किसी गंभीर चोट का लगना ये काल सर्प दोष का कारण माना जाता है। बचपन में पढ़ाई में मन न लगना ये भी काल सर्प दोष का कारण माना जाता है। उसके बाद में अगर चलें कि जितना मेहनत बच्चा कर रहा है उतने उसके मार्क्स नहीं आना, नंबर नहीं आना, तो काल सर्प दोष का कारण माना जाता है। विवाह में बहुत से प्रकार की बाधाएँ आ रही हैं तो काल सर्प दोष का कारण है। अथवा इसके बाद में विवाह में सगाई बार बार छूट जाना, व्यापार में तरक्की न होना या जॉब लगने में दिक्कत आना, इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं। संतान का ना होना, पुत्र का ना होना, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनके द्वारा व्यक्ति ये जान सकता है कि उसकी कुंडली में काल सर्प दोष है। इसके अलावा बहुत से सिम्टम और हैं, सपने में पानी का दिखाई देना, सपने में सांप का दिखाई देना, सपने में मरे हुए लोगों से बात करना, सपने में पहाड़ से गिरना, अथवा बहुत सारे इस तरीके के भी लक्षण हैं जिसके द्वारा व्यक्ति ये जान सकता है कि हमारी कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है। आचार्य जी, हमने आपसे जाना कि काल सर्प दोष क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं और कैसे आम आदमी पहचान सकता है कि उसे काल सर्प दोष से ग्रसित है या नहीं। जी
लेकिन अब इनके जो महत्वपूर्ण बात है कि इनके उपाय क्या, वो उपाय हैं जिनसे वो इनसे निजात पा सकता है, बच सकता है, तो उसके उपाय के विषय में हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, कालसर्प दोष की शांति कराने के लिए, कालसर्प दोष की जो शांति होती है, जल के किनारे, गंगा के किनारे हो, यमुना के किनारे हो, समुद्र के किनारे हो, किसी भी जलाशय के किनारे कालसर्प दोष की शांति हो सकती है। वहाँ पर नागबलि, नारायण बलि इत्यादि पूजा कराएं किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा। इसके अलावा राहु और केतु के जप स्वयं करें अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा राहु और केतु के जप कराएं। राहु का जो मंत्र है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। केतु का मंत्र है ओम स्त्रौम स्त्राम स्त्रीम सह केतवे नमः। इन दोनों मंत्रों का व्यक्ति जब स्वयं करे अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा कराए तो कालसर्प दोष का जो प्रभाव है वो कम किया जा सकता है। इसके अलावा नाग मंत्र का जप करे, नाग जप का जो मंत्र है ओम नागदेव देवताय नमः, इस मंत्र का व्यक्ति जप करे तो कालसर्प दोष का प्रभाव कम किया जा सकता है। अथवा नाग गायत्री मंत्र का जप करे अथवा किसी ब्राह्मण के द्वारा करवाए, जिसका मंत्र है नवकुल नागाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात, इस मंत्र का अगर व्यक्ति जप करता है तो कालसर्प दोष को दूर किया जा सकता है। आचार्य जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए बताया कि कैसे अगर कालसर्प दोष से कोई व्यक्ति ग्रसित है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ हमारे दर्शकों के लिए कुछ साधारण उपाय, जो आम उपाय हैं जो हर दर्शक हमारा कर सके, बहुत आसानी से कर सके, ऐसे कोई उपाय हो जिससे उसका प्रभाव अगर वो खत्म नहीं हो पा रहा है तो कुछ कम किया जा सके प्रभाव। जी देखिए, कालसर्प दोष से ग्रसित जो व्यक्ति है अगर वो किसी भी शिव मंदिर में तांबे का सर्प लेकर के वहाँ भगवान को अर्पण करता है तो कालसर्प दोष के प्रभाव को दूर किया जा सकता है। भैरव जी की उपासना अगर व्यक्ति करता है तो कालसर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। इसके अलावा रुद्राभिषेक अगर व्यक्ति करता है, भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक है, अगर वो व्यक्ति नित्य प्रति अथवा महीने में एक बार जैसे भी सुलभ हो सके अगर वो करता है तो कालसर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। एक बहुत ही साधारण उपाय और बताना चाहूँगा, घर में समुद्री नमक, फिटकरी, गौमूत्र, इन तीनों चीज़ों का मिश्रण तैयार करके पूरे घर में पोंछा लगाने से भी कालसर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। एक साधारण उपाय और जिससे कालसर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है, 100 ग्राम जौ का आटा लें, उसमें एक चम्मच काले तिल मिलाएं, एक चम्मच शहद मिलाएं और एक चम्मच मेहंदी मिलाएं। इन सभी मिश्रण से और एक आटे का लुआ बन जाएगा, उससे दो सर्प बनाएं, सर्प बना करके और महीने में जो दो पंचमी आती हैं किसी भी पंचमी के दिन और भगवान शिव के मंदिर में जा करके शिवलिंग के आगे अर्पण करें और भगवान से हाथ जोड़ करके क्षमा याचना करें तो कालसर्प दोष के प्रभाव को कम किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बातें बताई हमारे दर्शकों के लिए और ख़ास बात यह है आसान उपाय भी बताया जो आसानी से लोग अपने घर पर कर सकते हैं बिना किसी खर्चे के, बहुत ज़्यादा खर्चे के या किसी तरीके के या बिना किसी जो है बहुत समस्या के चलते वो आसानी से कर सकते हैं इसको, और हमारे दर्शकों को निश्चित तौर पर इससे कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। और जिन दर्शकों ने ये सवाल किए थे वो भी सुन रहे देख रहे होंगे इस पूरे कार्यक्रम को, वो लोग भी इसको अपनाएंगे, उन्हें निश्चित तौर पर इससे लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, जो आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई। तो जैसा आपने देखा कि आज के इस कार्यक्रम में हमने कालसर्प दोष के बारे में जानकारी दी, क्योंकि वो हमारे दर्शकों का सवाल था और बहुत सारे और भी सवाल थे, हमने कई दर्शकों के सवाल सम्मिलित किए और उसके विषय में हमारे जो एक्सपर्ट हैं, जो हमारे बीच में आचार्य श्री सीपू जी महाराज जी हैं, उनके द्वारा इसके जवाब दिए गए। आपके भी जहन में अगर कोई सवाल है तो आप हमें लिख भेजें हमारी मेल आईडी पर या हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं हमारे नंबर पर, व्हाट्सअप नंबर पर जो कि आपकी टीवी स्क्रीन और आपकी मोबाइल स्क्रीन के नीचे फ्लैश हो रहा होगा। आपके सवालों को हम प्रयास करेंगे अपने अगले एपिसोड में शामिल करने का और उनके जवाब देने का। तब तक आप देखते रहिए tv30india.com और हाँ, अगर आपने अभी तक tv30india का एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ उसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें ताकि हमारे ऐसे कार्यक्रम आपको समय से लगातार मिलते रहें।